सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कोई आपको प्रेम करता है तो ये आपका भाग्य है, और कोई आपको समझ सकता है तो ये आपका सौभाग्य है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पे नहीं मिलते। जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो नहीं करते लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते जो एहसानों से नहीं एहसासों से बने होते हैं। आज का पंचांग 31 मार्च 2020 दिन मंगलवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, सुबह 3:50 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृगशीर्षा नामक नक्षत्र शाम 6:44 तक विराजमान रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 3:09 से 4:40 तक रहेगा। आज का बिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:41 से 12:29 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर सुबह 6:05 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। मिथुन राशि 31 मार्च 2020 दिन मंगलवार, आज आपके भावनाओं में बहने की उम्मीद थोड़ी ज्यादा है। किसी छोटी सी बात पर भी आप उदास हो जाएंगे या पुराने बेहतर समय को याद करने लगेंगे। किसी पुराने दोस्त से संपर्क साधने की कोशिश कर सकते हैं। आज आप अपनी वर्तमान समस्या को सुलझाने के लिए कोई संतोषजनक समाधान खोजने या किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के मूड में हैं। आप अपने नौकरी अथवा व्यापार में तरक्की करेंगे। आर्थिक जीवन में सुधार होगा। आप धन की बचत कर पाने में सफल होंगे। इससे घर में खुशी का माहौल भी बनेगा। आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो अपने दिन की थकान को दूर करने के लिए आप उनके साथ समय बिता सकते हैं। आज के दिन आपके लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का है। आप जो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं उससे कहीं अधिक की समस्याएं आप में हैं। आज कुछ ऐसी समस्या बन सकती है जो आपको कुछ नई जवाबदारियां दिला सकती है। इससे आपको ज्यादा लाभ हो सकता है। अगर आप बिजनेस में हैं तो परिस्थितियों में हुआ आकस्मिक परिवर्तन आपको कुछ लाभ दिलाने वाला रह सकता है। सावधानियां, मनचाहा पैकेज पाना मुश्किल लग रहा है। संतुष्ट होना पड़ सकता है। बेवजह के झगड़ों में ना पड़ें और अपने विश्वास पात्र लोगों से ही अपनी बातें शेयर करें। लव लाइफ की बात करें तो अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ बिताने के लिए समय बेहतरीन है, क्योंकि आपका पार्टनर आप पर प्यार बरसाएगा। उनका सारा ध्यान आप पर रहेगा। उनकी सारी बातों को उसी तरह समझें जिस तरह का उद्देश्य लेकर वे कहीं गई है, और आलोचना किए बिना इसका मजा लें। जब आपके पार्टनर का मूड रोमांटिक हो तो व्यर्थ के जिद करने या बीती दर्द भरी बातें याद करने से बचें। आपको भी उनसे इतनी ही अंतरात्मा से पेश आना चाहिए। करियर की बात करें तो आज आप एक ऐसे सफल पेशेवर से मिल सकते हैं जो आपका कार्य करने के लिए उपलब्ध सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन उनके साथ साझेदारी के गठन से पहले थोड़ा सावधान रहें। संभावना है कि वह कार्य के मध्य में अपनी दरों में वृद्धि कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प ये होगा कि आप ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करें जिनमें दर गतिमान की बजाय स्थायी हो। सेहत की बात करें तो आज आपकी सेहत अच्छी है, क्योंकि आज आप भावनात्मक रूप से खुश हैं। आप में आत्मविश्वास झलक रहा है। भावनात्मक स्थायित्व और खुशी में कोई ऐसी शक्ति होती है कि वह अंदर से बाहर तक राहत देती है। आप सकारात्मकता से भरे हैं। आज के महत्वपूर्ण कार्य निपटाने के लिए बहुत अच्छा दिन है। सेहत अच्छी रहेगी। आज का उपाय, बजरंगबली को
गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।